हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरान एंटरटेनमेंट। यार इस वीडियो में जो मैं मूवी बताने वाला हूँ वो रिकमेंड किए मेरे सब्सक्राइबर जिनका नाम है आशुतोष। तो यार थैंक यू सो मच आशुतोष भाई, जैसे इन्होंने मुझे मूवी रिकमेंड की वैसे आप लोग भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। जिसका रिकमेंडेशन सबसे ज्यादा अच्छा लगा उस पर मैं रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, साथ साथ आपको शॉर्ट आउट भी दूंगा। तो आप ज्यादा टेंशन मत लो, फटाफट कमेंट करो। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। मुझे पता है कि जितने भी सारे लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी माँ से तो बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे, लेकिन सवाल ये कि क्या आप लोग मिस्टर किंग जा हुन उनसे ज्यादा आप अपनी माँ को प्यार करते हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दूसरा देखो यार, हर एक इंसान अपने आप को अच्छा मानता है कि उसने लाइफ में बहुत सारे अच्छे काम किए, वो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप मिस्टर किंग जा हुन के जितना अच्छे हो या उससे ज्यादा अच्छे हो, ये भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि ये मूवी आपका बहुत ही अच्छी तरह से टेस्ट लेने वाली है। खैर बात करें इस मूवी के प्लॉट की, जो कि ओवरऑल लेंथ 2 आवर 19 मिनट की है। और मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, सेकंड पार्ट की बात मैं इसलिए नहीं करूँ क्योंकि सेकंड पार्ट मैंने अभी हाफ देखा, कंप्लीटली पूरा नहीं देखा है। ये आपको कोरियन लैंग्वेज विद इंग्लिश सबटाइटल्स में कहाँ पर फ्री में देखने को मिली वो भी मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। खैर सबसे पहले प्लॉट बता दूँ कि कहानी ये कि एक फायर फाइटर जिसका नाम है मिस्टर किम जा हुन एक लड़की को बचाते बचाते खुद की जान गंवा देता है। तब ऐसे में 3 आफ्टर लाइफ के गार्डियंस आते हैं उसकी सोल को लेके जाने के लिए, लेकिन किम अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था इसलिए उसको आखिरी वक्त में अपनी माँ को देखना होता है। लेकिन वो 3 गार्डियंस बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप हेल में जाने के बाद 7 ट्रायल्स यानी कि 7 अलग अलग एग्जाम्स होते हैं एक तरह के आप लोग कह सकते हो, उसको अगर आप पास कर लोगे तो आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। तब ऐसे में कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आती है यानी कि किम जा हुन के साथ क्या कुछ होता है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोग इमोशन ये वर्ड को अलग अलग सीरीज या मूवीज के साथ जोड़ दो, जैसे कि GOT, वाइकिंग्स, KGF Chapter 1, ब्रेकिंग बैड, अटैक ऑन टाइटन, तो वो जो इमोशन वर्ड है ना वो अगर परफेक्टली किसी के साथ सुटेबल होता तो वो यही पर्टिकुलर मूवी है। मतलब मूवी के दौरान इतना ज़्यादा आप लोग इमोशनल फील करोगे कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। और स्पेशली इसका जो क्लाइमैक्स है वो तो मतलब आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपके आंखों से इतने आंसू बहेंगे जैसे कि कोई डैम है। इसके अलावा मूवी में इन सारे कैरेक्टर्स के थ्रू एक मैसेज देने की कोशिश की कि इंसान से गलती होती है लेकिन वही इंसान सबसे ज़्यादा अच्छा है जो अपनी गलती का प्रायश्चित करे। और यकीन मानो गलती का प्रायश्चित करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हिम्मत चाहिए। कैरेक्टर्स की बात करें तो हर एक कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरह से लिखा, लेकिन स्पेशली जो वो 3 गार्डियंस हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से लिखा उसमें से, लेकिन जो एक मेन है कैप्टन उस कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से बताया कि कहने को तो वो एक फरिश्ता है लेकिन उसके अंदर जो एक अच्छाई है वो उसको एक ह्यूमन बनाता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो इसका VFX मतलब इतना नीटली VFX किया, स्पेशली यहाँ पर जो चेजिंग सीन्स है यार मैं ज़्यादा रिवील तो नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग उसका VFX देखोगे ना भाई मज़ा ही आ जाएगा। एडिटिंग बहुत अच्छी, स्क्रीन पे बहुत अच्छा, एक्टर्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ये मूवी देखा तो फिर भी आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करो ताकि जो नए व्यूवर्स जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा वो लोग देख लेंगे। और ये मूवी आपको फ्री में कहाँ देखने को मिलेगी तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक देता हूँ, वहाँ पर जाओ उस मूवी को डाउनलोड करो, आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी। तो यार मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 9 out of 10। और हाँ पेरेंटल गाइडेंस पे इतना बोलूंगा मूवी में अश्लीलता कुछ नहीं है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, बहुत मजा आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।